हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में NSSO जॉब्स की फुल डिटेल्स एंड प्रेजेंट की जो भी अपडेट है वो सारा अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और NSSO जॉब्स की कुछ जो होता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स होते हैं और कुछ डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट होते हैं, तो इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब जो भी होते हैं वो पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और NSSO जो किस तरह से ये मर्ज हुआ है उसकी भी बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और क्या सैलरी होती है, क्या पोस्ट होता है, क्या क्या डिपार्टमेंटल और किस तरह से डिपार्टमेंट को डिवाइड किया जाता है वो सारा चीज़ बताएंगे। और वर्तमान में ये सारी जानकारी जो है आपको FO पोस्ट पे कार्यरत जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब कर रहे हैं वो उनसे सारी डिटेल्स लेने के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, पहले हम डिटेल्स देख लेते हैं कुछ, उसके बाद जो है क्या डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस है, क्वालिफिकेशन है, सैलरी, वो सारा चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब ये देखेंगे कि NSSO जो है ये किस तरह से मर्ज हुआ है और कब मर्ज हुआ है वो सारा डिटेल्स इसमें देखेंगे लिखा हुआ है। तो द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO इज नो मर्ज, यानी अब मर्ज हो चुका है विद द सेंट्रल यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस टू फॉर्म द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस यानी NSSO जो क्या है NSO में मर्ज हो चुका है। दिस मर्जर वाज अब कब हुआ है, तो अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो ऑन 23 मई 2019 को यह अप्रूव्ड हो चुका है। द NSSO और द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस वाज फॉर्मली नॉन एज द सेम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एक संगठन। तो इस तरह से जो है इसका 23 मई को जो है ये NSSO अप्रूव हो चुका है यानी NSO भी अभी से बोल सकते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है NSSO एक सर्वेक्षण करने का संस्थान होता है। NSSO क्या होता है, एक सर्वेक्षण करने का संस्थान होता है। यह एक ऐसा संस्थान होता है जो मुख्य रूप से महानिदेशक की अध्यक्षता में अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर नमूना सर्वेक्षण का संचालन करता है यानी सर्वे का एक सर्वेक्षण या क्या हो गया सर्वे करना उसका संचालन करता है। इसके साथ ही इसी सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी इंडस्ट्री सेक्टर में भी ये काम करती है ASI आदि पर डेटा एकत्र करने का काम करती है ये डिपार्टमेंटल। ये सारा डिटेल्स हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए, जॉब किसी भी डिपार्टमेंट अगर आप कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या किसी भी रूप से अगर आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए उसमें किस तरह से काम होता है और कैसे कैसे काम होता है। इसके अलावा NSSO ग्रामीण और शहरी कीमतों पर भी डेटा एकत्र करने का काम करता है और साथ ही में फसल आंकड़ों में सुधार लाने का प्रयास करता है। अप्रोक्स मतलब एक समरी वे में कहा जाए तो पूर्ण रूप से जो है ये इंडिया का जो है एक मतलब पूरा आंकड़ा लेने का हर डिपार्टमेंट का NSSO के पास काम रहता है और वही जो है काम आपको दिया जाता है बाय कैंडिडेट के हिसाब से और किस तरह से बाय डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं और किस किस हिसाब से चार डिपार्टमेंट में बांटा गया इसे। अब ये समझेंगे NSSO का जो है फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय पतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कहते हैं। आप ये जानकारी के भी व्यू से और इंटरव्यू में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस व्यू से भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो यह एक जो है यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने का सबसे बड़ा समूह है, शॉर्ट वे में इस तरह से इंटरव्यू में भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद NSSO का क्या मतलब होता है, तो NSSO के प्रमुख रूप से जो है मुख्य रूप से चार विभाग होते हैं और कौन कौन से विभाग हैं वो सारे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। जैसा कि फर्स्ट में हो गया सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग यानी SDRD इसको बोला जाता है इंग्लिश में। सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग का यह SDRD कोलकाता में स्थित है। अब यह कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है और SDRD प्रभाग जो है सर्वेक्षण की तकनीकी योजना अवधारणाओं और परिभाषाओं के निरूपण नमूना डिजाइन और जांच अनुसूचियों के डिजाइन यानी मतलब जो भी होता है डिजाइन रूप से उसका जो है आकलन करता है। ये सारणीय योजना की रूपरेखा विश्लेषण और सर्वेक्षण परिणामों की प्रस्तुति करने की जिम्मेदारी बेखूबी निभाता है। तो इस तरह से जो है ये फर्स्ट हो गया आपको सर्वेक्षण SDRD इसको बोला जाता है। उसके बाद जैसा कि सेकंड में हो गया फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन FOD जैसे बोला जाता होगा कि जो FOD यानी पोस्ट, तो यहाँ पे पोस्ट नहीं होता, ये एक फील्ड ऑपरेशन डिवीजन FOD होता है। तो फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन FOD इसका मुख्यालय जो है दिल्ली यानी फरीदाबाद में स्थित है। तो सबका जो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग मुख्यालय भी स्थित है, उसका था कोलकाता में SDRD का और यहाँ पे FOD का जो है ये फरीदाबाद और दिल्ली या फरीदाबाद में स्थित है। यह
डिवीजन 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में 49 क्षेत्रीय कार्यालय और 118 उप क्षेत्रीय कार्यालयों का एक नेटवर्क माना जाता है, जो मुख्य रूप से सर्वेक्षणों का प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह करता है। तो इस तरह से जो है एफओडी हो गया। अब सेकंड हो गया आपको जैसा कि डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन यानी डीपीडी। इसमें क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, इसका मुख्यालय भी कोलकाता में स्थित है, जो अपने विभिन्न स्थानों पर 6 अन्य डेटा प्रोसेसिंग केंद्रों के साथ सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा के नमूना चयन, सॉफ्टवेयर विकास, प्रसंस्करण, सत्यापन और सारणीकरण बनाने का काम करता है। तो इस तरह से डीपीटी हो गया, डीपीडी थर्ड हो गया। उसके बाद आपको लास्ट में हो गया समन्वय और प्रकाशन विभाग, यानी इसे सीपीडी बोलते हैं, समन्वय और प्रकाशन प्रभाग सीपीडी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जो प्रमुख रूप से एनएसएसओ के कई प्रभागों की सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। इसके साथ ही इसे एनएसएसओ की द्विवार्षिक पत्रिका भी निकालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसका शीर्षक सर्वेक्षण है। और इसके अलावा यह एनएसएसओ द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों के परिणामों पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करता है। तो इस तरह से हम लोग चारों डिपार्टमेंट का चार विभाग जो होता है चारों समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरह से क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या पोस्ट है और किस तरह से डायरेक्ट बात करने के बाद जो है क्या काम दिया जाता है। और अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं, हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए इस तरह से पूर्ण डिटेल्स डायरेक्ट कर्मचारी से या उसमें कार्यरत जो भी पोस्ट पे हैं उनसे बात करके सारी जानकारी लेने के बाद यह वीडियो बनाया जाता है। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए और कॉन्टैक्ट बेसिस जो भी जॉब होती है उस पर किसी न किसी विधि से काम होता है मार्केट में, वो सारी अपडेट देखने के लिए हमारी टीम के मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके बाद चलिए एनएसएसओ जॉब्स डिटेल्स एंड अपडेट्स में जैसा कि हम बताए हैं, तो अब उसमें डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस क्या होता है। तो जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए ग्रेजुएट, और एस्थेटिक्स होना चाहिए आपका, ऑनर्स पेपर या मैथ होना चाहिए या इकोनॉमिक्स। अगर इस तरह से नहीं है ग्रेजुएशन में तो आपका कम से कम अगर ग्रेजुएशन अगर आर्ट्स से है तो इंटर में जो है आपका साइंस पेपर यानी मैथ होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये समझ गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पोस्ट एफओ या एफआई, यानी फील्ड ऑफिसर होता और एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर होता है, इसी में एनोमिनेटर और सुपरवाइजर बोला जाता है। तो अब यहाँ पे जो है जैसे कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेटर को जो है, अब जैसे कि जो ऑफिसर काम कर रहे हैं तो इसमें जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे फील्ड में रहना पड़ता है, और फील्ड ऑफिसर को जो है मतलब थोड़ा कम फील्ड, दोनों फील्ड में ही रहता है, लेकिन ये मंथ में अगर 4 से 5 दिन जाएंगे तो ये कंटिन्यू 20 दिन जाएंगे। तो इस तरह से जो फील्ड ऑफिसर यानी हो गया सुपरवाइजर का काम हो गया और फील्ड इन्वेस्टिगेटर हो गया। तो इस तरह से जो है काम होता है पोस्ट का। और वर्किंग लोड जो होता है आफ्टर 6 मंथ्स वेरी लो हो जाता है, यानी 6 मंथ जो आपको समझने में लगेगा, 3 से 6 मंथ जो है आपको समझने में लगेगा सारा काम को, उसके बाद जो है आपको सारा चाहिए। लेकिन इसमें जो है आपको आईडी कार्ड, ड्रेस वगैरह जो भी होता है डिपार्टमेंटल, वो सारा चीज़ आपको फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलेगा, छुट्टी से हो गया उसके बाद अलाउंस वगैरह सारा चीज़ मिलता है। स्किल जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपके पास। उसके बाद सैलरी जो इसमें 26,000 से 24,000 आपका बनता है सीटीजी। उसके बाद अलाउंस वगैरह जैसे कि आपको जो भी खर्च होता है रेंट वगैरह, उसके बाद कहीं जाते हैं आप कोई काम से गाड़ी फ्यूल वगैरह सारा चीज़ आपको मिलता है डिपार्टमेंट की ओर से। उसके बाद लास्ट एज जो है इसमें 35 से 37 तक लास्ट एज अप्लाई कर सकते हैं। उसका जॉब प्लेस जो है आपको फील्ड एंड ऑफिस दोनों तरह का होता है दोनों पोस्ट के लिए। एक होता है फुल्ली ऑफिस टाइप से, तो वो डायरेक्ट डिपार्टमेंटल जॉब होता है, वो फुल्ली गवर्नमेंट होता है। ये जॉब जो होता है आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, ये ध्यान में रखें। उसके बाद जॉब टाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस बट रेनुअल हो जाता है, हटाता नहीं है। उसके बाद वैकेंट सीट एंड लोकेशन, अब ये सीट आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा और लोकेशन, ये कहीं भी देखिए। अभी आपको जो है जैसे सैलरी बताया तो ये 2016 का अपडेट होगा, अगर आप नेट पे चेक कीजिएगा 16,500 इस तरह से दिखेगा, लेकिन अभी अपडेट हो चुका है, डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं कहीं भी जब आप अप्लाई करेंगे। तो ये जो कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में आप अप्लाई करेंगे इसे, और ऑफलाइन मोड में या रेफरेंस के बेस पे आप इसे अप्लाई करके बिहार एंड झारखंड एंड एमपी में ये सारा कॉन्टैक्ट जो है हमेशा अपडेट मिलते रहेगा जो किस डेट में आने वाला है, क्योंकि ये हाल में वैकेंसी अपडेट होने वाला है, इसीलिए ये पूरी डिटेल्स के साथ हम वीडियो को बनाए हैं इस। उसके बाद जो है एनएसएसओ जो, उसके बाद हाउ टू क्वालिफाई, इसमें इंटरव्यू आप किस तरह से निकाल पाएंगे और एग्जाम, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे कि एनएसएसओ में हम जितना भी डिटेल्स इस वीडियो में बताए हैं वो सारा चीज़ आपको पूछा जाएगा 100% एनएसएसओ की सारी चीज़ जानकारी आपके पास होना चाहिए डिपार्टमेंटल। उसके बाद जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा MS Excel से और
एमएस ऑफिस वगैरह से पूछा जाएगा, और टाइपिंग स्किल आपको देखा जाएगा, कुछ दे देगा, उस पर आपको टाइपिंग करके दिखाना है जो स्पीड कितना होना चाहिए आपका मिनिमम है। उसके बाद बेस्ट रीडिंग एंड रिटन स्किल, आपको हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ाएंगे और उसमें कुछ रिटन आपको लिखने का कुछ भी आपको दिया जाएगा, तो वो सारा चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो इतना चीज़ अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो इस जॉब को आप आसानी से ऑफलाइन मोड में आप अप्लाई करके डायरेक्ट जॉब ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सारी डिटेल्स NSSO की समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, जहां तक होगा रिप्लाई किया जाएगा या नहीं। अगर विशेष क्वेश्चन पूछने के बाद जो हमारा जो भी प्रोसेसिंग होता है वो आपको बताया जाता है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इस तरह से जो है बेस्ट जॉब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, हमारे टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो